नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल एवं खाद्य पदार्थ में बेतहाशा हुई वृद्धि को लेकर बालाघाट में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने काली पुतली चौक में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लगातार डीजल एवं पेट्रोल अन्य खाद्य सामग्री में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, जहां डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग किराया बढ़ता ही है, जिसमें अन्य खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ जाती है। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि जिसके चलते आम व्यक्ति के आर्थिक रूप से कमर टूट गई है, ऐसे ही खाद्य तेल सहित समस्त खाद्य सामग्री लगभग दुगने के भाव बिक रही है, जिसकी सीधी मार आम आदमी की रसोई को प्रभावित करते हुए उनके जीवन यापन में गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। 2 वर्षों से कोरोना काल के दौरान आम जनता महंगाई की मार से परेशान है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पेट्रोल डीजल सहित तमाम जरूरी चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को विकास बता रही है। कांग्रेस ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। ऐसे ही परसवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक मधु भगत ने भी राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में पेट्रोल पंप पर सांकेतिक एक कोविड-19 का सम्मान करते हुए, धारण करते हुए, मास्क पहनते हुए हमने महंगाई के विरोध में एक ज्ञापन माननीय आज थाना प्रभारी श्री राम सिंह राठौर जी को पंप सौंपा है। भैया, क्या मतलब किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया आपके माध्यम से? निश्चित तौर पे आज किसान को डीजल चाहिए खेती करने के लिए, कहीं ना कहीं पे लोगों को घर चलाने, खाना खाने के लिए तेल के रेट कम चाहिए, गैस जलाने के लिए उनको कम मूल्य पे गैस उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन इस प्रदेश और इस देश के अंदर जिस प्रकार से 100 के पार पेट्रोल और खाने का तेल बाहर अनाप शनाप महंगाई के विरोध में आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपसे देश नहीं संभलता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, तो आप अपना इस्तीफा सौंपें और देश को एक अनुभव के हाथ में दें, ना कि प्रयोगशाला बना करके इस देश को चलाएं। आप इस देश के अंदर सिर्फ प्रयोगशाला के रूप में साबित हो रहे हैं। आप 70 साल में ये पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हम आपसे पूछते हैं कि क्या सिर्फ आप 70 साल के हिसाब को लेकर के इस देश के ऊपर राज करना चाहते हैं? आपने 7 साल में क्या किया, आप कुछ बताएंगे? आपने लाइन लगाने के अलावा कुछ नहीं किया है। आपने नोटबंदी में लाइन लगाया, आपने हजारों हमारे सैनिकों का बलिदान कराया, आपने GST लगा करके व्यापारी को सड़क पे लगाया, आपने कोविड में पूरे लोगों को आपने लॉकडाउन करके पैदल छाले के पैर पे चलने के लिए मजबूर किया। आपने क्या किया? आपने सिवाय मजदूरों को, जिनको 2 मिनट के लिए सुकून चैन में पटरी में सो गए, उनकी जान चली गई, लोगों के पैर में छाले आ गए, ऐसा आपने कोविड में काम किया। आपने रेमडेसिविर नकली बंटवाया इस प्रदेश के अंदर, आपने कोई अंकुश नहीं लगाया। आपके आज किसान सड़कों के ऊपर आज भटक रहे हैं। आपने ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी, जो अंग्रेजों के समय में गुलामी होती थी, और गुलामी के चलते कहीं ना कहीं पे इस देश किसान उस समय परेशान था। आज नरेंद्र मोदी जी आपके शासन में, पेट्रोल के रेट आपको कम करना पड़ेगा। आपके अगर हाथ में नहीं है पेट्रोल इस देश का, तो आप ये समझ लीजिएगा आपकी इस देश की जनता अब आपके साथ नहीं है और ना ही आपको महंगाई में छोड़ने वाली, बख्शने वाली। और मैं उन ढोंगी नेताओं से कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी का, क्या पेट्रोल नहीं डलता? क्या वहाँ किसान नहीं है? क्या वहाँ मजदूर नहीं है? क्या वहाँ कार्यकर्ता नहीं है? क्या वो आज वो महंगाई कैसे, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का पैसा लेकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उनका कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, पूरी तरह से लिप्त है। जिनके पास पैसों का अंबार है, मर रही है तो सिर्फ किसान, गरीब जनता मर रही है। पेट्रोल का रेट कम होने चाहिए, अभी तो छोटी सी अंगड़ाई है। अभी सड़कों में आप देखेंगे ये जनता उतरेगी तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी। मैं बताना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र, मूल्य में कमी नहीं होती तो क्या होगा? निश्चित तौर पर मैंने अभी आपसे कहा कि उग्र आंदोलन होगा और माननीय हमारे कमलनाथ जी जो है उनके नेतृत्व में होगा, और हमें पूरा विश्वास है
कि जनता का सहयोग पूरा मिलेगा। जनता से आप पूछ लीजिए जनता आज क्या बोल रही है। आदमी मरते रहा है, आज गांव-गांव में आदमी मरा है। आपने आंकड़े तक नहीं बताए, आपने लकड़ियों का सौदागर बनकर के आपने लकड़ी अस्थियों के लिए भी आपने महंगी बेची। आपने क्या किया, राशन दिया किसी गरीब को? 9-9 महीने से राशन नहीं मिला साला में, उसका जाकर के हम लोगों ने निराकरण कराया। क्या हम प्रति पंचायत जा करके हम लोग कार्यकर्ता लोग यही करते? आप बैठ करके जो जिम्मेदारी आपको मिली, आप उस जिम्मेदारी से पीछे भाग गए, आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र मोदी जी बार बार आगाह जनता कर रही है, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के, हम लोग बार बार आपको ये संज्ञान में दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करिए, नहीं तो आप गद्दी छोड़िए और अपना इस्तीफा पेश कर दीजिए, जनता आगे न्याय। मैं अनूप सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव। आज विरोध प्रदर्शन किया आपने, ज्ञापन सौंपा, ये किन किन मुद्दों को लेकर? देखिए, जिस तरह से कोरोना काल में, इस आपदा और विपदा के दौर में देश की सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ होना चाहिए और महंगाई कम करना चाहिए, वहीं कुठाराघात करते हुए जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, हर वो चीज़ें जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, इनमें जिस तरह की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसको लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस जिला कांग्रेस के माध्यम से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है और यह मांग की गई है कि इस तरह की बेतहाशा जो मूल्य वृद्धियां हो रही हैं, इसे तत्काल रोका जाए। गरीब आदमी को बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान की सुविधाएं जो सरकारों को देना चाहिए, आम आदमी की जिंदगी से जो कठिन दौर चल रहा है, इस पर सहायता करते हुए तत्काल मूल्य वृद्धि को रोकना चाहिए और कम करना चाहिए। उनकी सुविधाओं को रखकर सरकारों का निर्माण होता है। यह भारत देश का पहली सरकार है जहाँ यह आम जन मानस को निचोड़ने का काम कर रही है। निचोड़ने का काम मतलब कि पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों पर बेतहाशा वृद्धि कर आम जनमानस की कमर तोड़ने का काम कर रही है। जहां सरकारों को आम जनमानस को इस कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, बेड से लेकर डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए, वहां यह हमारा निर्दयी प्रधानमंत्री और हमारा कंस मामा बंगाल के चुनाव में अपनी व्यवस्थाएं बनाकर रखी हुई थी और आम जनमानस यहां पर सड़कों पर मर रहे थे। हमारी कांग्रेस पार्टी की यह घोर चेतावनी है। आज तक केवल हमारा एक छोटा सा धरना प्रदर्शन था, अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी रेट वापस नहीं होते तो निश्चित तौर पर कोरोना गया भाड़ में सड़कों पर उतरकर कांग्रेस वो उग्र आंदोलन करेगी कि इन सरकारों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और आगे चलकर के आप लोग के बड़े आंदोलन के रूप में इसको देंगे आप लोग? निश्चित तौर पर मैं वही बोल रहा हूँ कि कोरोना गया भाड़ में अगर आम जनमानस की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो गई तो जनमानस की लड़ाई हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उस तरीके से उग्र आंदोलन होगा कि यह गवर्नमेंट, चाहे वो मामा की सरकार हो चाहे वो मोदी की सरकार हो, वो संभालना मुश्किल कर लेगी देश के अंदर। R9 भारत के लिए बालाघाट से रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर नाका पर पेट्रोल पंप के सामने डीजल पेट्रोल की महंगाई को देखते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया। मनासा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में भारी मूल्यवान वृद्धि व बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता प्रभावित है। जनहित में इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि से सभी वर्ग परेशान हैं। कांग्रेस द्वारा गांधीवादी तरीके से महंगाई के विरोध कर प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए व प्रदर्शन किया। कांग्रेस के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हमने यहाँ महंगाई के विरोध में जो धरना, एक सांकेतिक धरना का यहाँ प्रदर्शन किया है और आज जो स्थिति देश और प्रदेश की मंत्री चली जा रही है, महंगाई की मार एक आम जन को, एक गरीब तबके से लेकर एक मध्यम वर्ग और उसके ऊपर के परिवारों को जो तकलीफ आज पहुँच रही है, उसके लिए हम मोदी जी को और प्रदेश में शिवराज सिंह की प्रशंसा करते हैं, आलोचना करते हैं कि वो इस महंगाई को किसी भी हिसाब से नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इस असफलता के लिए आज हम सब कांग्रेस के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये विरोध है कि ये
पेट्रोल डीजल के भाव जो आज रसोई गैस की टंकी के जो भाव पहुँच गए हैं, एक आम जन के लिए जो परेशानी खड़ी हुई है उसको चिकित्सा शीघ्र दूर करे और राहत पहुँचाए, अन्यथा ये आंदोलन उग्र होगा और हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज ये केवल सांकेतिक घटना है, इसके बाद हम इसको उग्र आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। कांग्रेस आम जन के लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। R9 भारत के लिए अनिल बांगा की रिपोर्ट, मनासा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।